जिस टाइप का था, माउंटेड कंट्रोल्स आते नहीं थे, तो अब इंस्टॉल करें माउंटेड कंट्रोल्स के साथ इसकी। ये देख सकते हैं आप, फोल्ड हो रहा है, ये अनफोल्ड हो गया, ये अप हो गया, ये डाउन हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, डैम्पिंग हो रही है और स्पीकर अपग्रेड करा हमने, कुछ व्हील का स्पीकर है उसमें। ओके, एक व्हील कवर इंस्टॉल करा है। ओके, तो ये ऑटो फोल्ड है, ऑटो फोल्ड और रूफ रेल इंस्टॉल करा है इसके अंदर। रेयर में जाते तो इसमें हमने स्पॉइलर एड ऑन करा हुआ है। ओके, सीएनजी को मतलब अगर किसी भी भाई को छुपाना है तो ये वाला अपना मिल जाएगा। तो ये हमने जो रिफ्लेक्टर यूज करे है इसमें देते, तो ये अपने मैट्रिक्स स्टाइल इंडिकेटर। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम दोबारा आए थे करोल बाग, तो अपने पास आज आ रखी है वैगन आर। तो अपने साथ आज है सोनू भैया। तो सोनू भैया कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, बढ़िया। क्या कर रहे हो आज वैगन आर में? वैगन आर में हम सारे काम कर रहे हैं। ओके, पावर विंडो रियर, पावर विंडो लगा रहे हैं, सेंट्रल लॉकिंग लगा रहे हैं। आगे फोग लाइट है, स्टीरियो सिस्टम, म्यूजिक का काम है, सीट कवर है, फ्लोरिंग है, पीछे स्पॉइलर, रूफ रेल। जो इसमें यूनिक काम है वो क्या है? ORVM हमने इंस्टॉल करा है, जो अपने ऑटो फोल्ड रहने वाले हैं, ऑटो फोल्ड होने वाले हैं। ये इसमें ब्लैक कलर है, इस कलर का हो जाएगा सेम। अच्छा, और इसमें जो स्टीयरिंग है वो भी चेंज हो रहा है? हाँ, स्टीयरिंग रिमोट लग रहा है इसके अंदर पूरा। ओके, तो स्टीयरिंग पूरा ही स्वाइप होगा मेरे ख्याल से? स्वाइप होगा, पूरा टॉप मॉडल वाला काम हो रहा है, आप देख सकते हो उसमें पूरा खुला पड़ा है, पूरा ही चेंज होगा, ये पूरा स्वाइप हो रहा है अपना। पहले जो स्टीयरिंग आता था वो कुछ इस टाइप का था, माउंटेड कंट्रोल्स आते नहीं थे, तो अब इंस्टॉल करें माउंटेड कंट्रोल्स के साथ। डैम्पिंग हो रही है चारों ओर, और अंदर बाहर से दोनों से डैम्पिंग हो रही है, डैम्पिंग हो रही है, और स्पीकर अपग्रेड करा हमने। कौन से स्पीकर इसमें? JBL के स्पीकर है इसमें। ओके, JBL है, और बाकी इसमें जो जो के स्पीकर लग रहे हैं, एम्प लग रहा है इसके अंदर, वायरिंग ब्राजो की और रखी है इसमें। ओके, ब्राजो की वायरिंग करी गई है इसमें, और उसमें जो भी हम स्टीयरिंग लगाते हैं उसमें जेन्युइन हब का यूज करते हैं हम, जो लोकल नहीं होता, मारुति का ओरिजिनल जेन्युइन जो जेन्युइन हब है वो यूज करते हैं आप, वो जो कॉपी आता है वो यूज नहीं करते, उसको करवाना भी नीचे, कई बार उसे रिबन वन कट जाता है, उसमें प्रॉब्लम आती है। ओके, तो अभी भी गाड़ी लो, स्टीयरिंग रिमोट कोई सा भी लगाओ, मगर उसमें अंदर जो अपना आता है उसको पूरा ओरिजिनली लगाना चाहिए, ओरिजिनली लगवाना चाहिए। बाकी कंडीशन कुछ इस टाइप की अभी कार की? अभी काम ही चल रहा है इसके अंदर, जो स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, जो जो काम होगा, जो काम हो रहा है आप दिखाते रहिए इसमें, और धीरे धीरे फ्लोरिंग भी देखो, फ्लोरिंग भी पूरी गाड़ी फ्लोरिंग कर दी है, अभी थोड़ा मैस है कार के अंदर, बाद में दिखाएंगे जो कंप्लीट होगी। सीट कवर डल गए। तो फाइनली अपनी वैगन आर का काम कंप्लीट हो चुका है। अपने साथ है अब दिलीप भैया। तो हेलो भैया, क्या है इसमें, क्या क्या काम करा? सारा काम हुआ, एक जो वैगन आर में होने लाइक अपना इंटीरियर, जो बेसिक काम होता था वैगन आर से उससे ऊपर करा है। तो फ्रंट से बात करें तो फ्रंट से क्या करा है हमने इसके अंदर? यार फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में डोल में एक नॉर्मल फॉग लाइट डला है, जो अपने मिंडा का है, मिंडा ब्रांड की फॉग लैंप लगी है इसके अंदर। और क्या इंस्टॉल फॉग लाइट आने वाला ना, उसमें कोई एलईडी से अपग्रेड नहीं करा, नॉर्मल हैलोजन है, बट चेंज करवा सकते हो एलईडी या शैडो को। ओके, तो ऑप्शन मिल जाता है, जो मेन चीज है जो साइड मिरर दिख ही रहा है इसका दूर से ही। तो ये जो काम हुआ अपना, एक व्हील कवर इंस्टॉल करा है जो प्रीगन कंपनी का अपना, एक साइड बिडिंग है अपनी। तो साइड बिडिंग ये भैया, इसमें और ऑप्शन नहीं आते कोई? बहुत आते हैं इसमें, ब्लैक पे क्रोम या एक अपना बैनर लिखा हुआ साइड, तो कस्टमर की प्रेफरेंस थी ब्लैक लगानी है जो अपना इस वेरिएंट में आता नहीं था साइड मिरर, वो इंस्टॉल किया गया इसके अंदर। जो आपसे नॉर्मल आता है, छोटी सी जो नॉर्मल अपना हाथ कंफर्टेबल होता है। ओके, नॉर्मल होता है वो चेंज करके प्रॉपर टॉप मॉडल वाला लगाया गया। ओके, तो ये ऑटो फोल्ड है? ऑटो फोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड न्यू पीस है। कोई यूज नहीं है, ब्रांड न्यू यूज करा गया इसके अंदर, जो ORVM है अपने विद इंडिकेटर्स रहने वाला अपना। बाकी साइड में रूफ रिल्स कुछ लगाया हमने? रूफ रिल इंस्टॉल करा इसके अंदर। तो भैया ये तो अपनी पेस्टिंग वाली होगी, वैगनार में अपना पेस्टिंग वाला ही होते हैं परमानेंट। ओके, पेस्टिंग वाली यूज करते हैं वैगनार के अंदर। रियर में इसमें स्पॉइलर है, मैं दिखा देता हूं। रियर में जाते तो इसमें हमने स्पॉइलर एड ऑन करा हुआ है, जो अपना कौन सा भैया, ये आफ्टर मार्केट होता है? आईडस्ट है, अभी आफ्टर मार्केट होता है। आफ्टर मार्केट होता है। एक इसमें ब्लैक अपने सेलर की क्रोम इंस्टॉलमेंट किया गया हुआ है, इसमें क्रोम भी इंस्टॉल करा है। रिफ्लेक्टर हमने यहाँ लगाया, जो पहले कंपनी से आता था वो तो स्टॉक होता था, डमी पीस होता था, तो वो भी करा है। और बाकी
रियर गार्ड ऐड ऑन करा है जिसमें हमने वैगन आर की बैजिंग लगा रखी है और किसी कैमरा इंस्टॉलमेंट हुआ अभी ब्लॉपंग का कैमरा यूज करा है हमने होल वाला। तो भैया ऑप्शन था इसमें कि अगर नीचे लगने का कहीं और ऑप्शन है, जैसे यहाँ की जगह यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हैं, बट यहाँ भी बेस्ट है वैगन आर के हिसाब से, ठीक है वैगन आर के हिसाब से ठीक है। बाकी इसके अंदर से क्या करा हुआ है पीछे प्रोफाइल में, तो पहले इसे सीएनजी वाले ट्रे डला हुआ है, तो हमने ये लगा। तो बूट की तरफ जाते हैं, तो भैया ये क्या लगा रखा है आपने? ये आपने ट्रे तो बहुत देखे होंगे, बट ट्रे प्रॉपर वैनार की है जो सीएनजी कवर करने के लिए होता है। ओके, सीएनजी को मतलब अगर किसी भी भाई को अगर सिलेंडर नहीं छुपाना है तो ये वाला अपना मिल जाएगा, ये अवेलेबल है अपने पास? बिल्कुल भैया अवेलेबल है, जो भी तो लगा इसमें तो ये अवेलेबल मिल जाएगा। बाकी टायर वगैरह मतलब ऑलमोस्ट टायर थोड़ा थोड़ा दिखेगा, बाकी सीएनजी सिलेंडर छुप जाएगा पूरा। वूफर ऐड ऑन करा हुआ है, रॉकफोर्ड का है ये। इसके अंदर भैया ये ग्रिल लगाई है क्या ऊपर? जाल लगाया गया है, जैसे किसी चीज से लगते हैं तो फट फट आना, इसके ऊपर सेफ्टी के लिए इसमें जाली लगाया गया है, तो थोड़ा सेफ्टी के लिए इसके ऊपर ग्रिल लगा रखी है। बाकी ये अपना बॉक्स था रॉकफोर्ड का। बाकी इसमें कौन सा एंड्रॉइड भी यूज करा गया? इसमें एंड्रॉइड लगाया गया है। ओके, तो इसमें पीसोनिक का अपना यूज करा गया एंड्रॉइड। बाकी इसके एक बार रिफ्लेक्टर चला के दिखाते हैं। तो ये हमने जो रिफ्लेक्टर यूज करे हैं इसमें जो अपनी वैगन आर के लिए, तो भैया ये विद इंडिकेटर रहने वाला है? बाकी मैट्रिक्स स्टाइल इंडिकेटर भी चलेगा इसके अंदर। ब्रेक वर्क सब करता है ये? इसकी वर्किंग दिखाते हैं एक बार। तो अपना ये वर्क करता है विद पार्किंग एंड इंडिकेटर्स के साथ। ये अपनी पार्किंग में जल गई दोनों, इंडिकेटर देते हैं तो ये अपने मैट्रिक्स स्टाइल इंडिकेटर। बाकी ये अपने जो हजार्ड स्विच है उसके साथ भी वर्क करता है, दोनों जलेंगे। बाकी इसका डोर पैनल खोल दिया, तो भैया इसके यहाँ पे तो आता नहीं था वैगन आर का अपना? भैया नहीं आता क्योंकि बेस मॉडल में नहीं आता, जिसमें अपना मिरर उसमें लगाया प्रॉपर अपना ब्रांड न्यू ऑटो फोल्डेबल इसमें लगा गया, ऑटो फोल्ड है अपना, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। बाकी वर्किंग दिखाते हैं इसकी, ये देख सकते हैं आप फोल्ड हो रहा है, ये अनफोल्ड हो गया। बाकी ये पूरा वर्किंग भी करता है, एक बार दिखाते हैं आपको, ये अप हो गया, ये डाउन हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, और ये फोल्ड करना है तो फोल्ड भी हो जाएगा। ये हमने ओपन कर दिया, तो कार के अंदर आ चुके हैं। तो भैया ये तो मुझे स्टेयरिंग इसका लग नहीं रहा भैया, ब्रेजा वाला है, ब्रेजा बलिनो वाली है। Okay. देखो भैया वैगनआर में जो बेस मॉडल होता है उसमें तीन ऑप्शन होता है स्टीयरिंग की। Okay. बेस मॉडल में स्टीयरिंग ऑप्शन नहीं आता है। Okay. तो इसमें तीन ऑप्शन इसलिए, जैसे कि शिफ्ट वाला लगवा सकते हो आप। Okay. एक इसमें प्रॉपर आप ब्रेजा या बलिनो वाला लगवा सकते हो, ब्रेजा बलिनो का मोस्टली कॉमन है, बाकी इसके नीचे आ जाते हैं अपने ब्लूटूथ फंक्शन वाले, और एक इसमें वैगनआर वाला प्रॉपर लगवा सकते हो आप बेस मॉडल में। बस भैया का ऑप्शन था ब्रेजा वाली, भैया को ब्रेजा वाला चाहिए था, बेसिकली बलिनो भी बोल सकते हैं वो वाला चाहिए था स्टीयरिंग, तो ये हमने इसके अंदर इंस्टॉल करा। बाकी स्विफ्ट वगैरह का भी लग जाएगा इसके अंदर, और प्रॉपर एयरबैग काम भी करेगा, एयरबैग प्रॉपर काम करेगा, जेन्युइन हब यूज करा था हमने वीडियो में दिखाई थी, जेन्युइन प्रॉपर एयरबैग। ओके, जेन्युइन चीजें लगाई है। बाकी इसके अंदर हमने एक एंड्रॉइड भी यूज करा गया जो पीसोनिक का अपना रहने वाला, कितने इंच में है पीसोनिक का अपना, ये कौन से मतलब वेरिएंट है अपना? देखो अपना ये हाइपरसोनिक वाले की बेसिक थोड़ा मतलब एक मीडियम सीरीज होता है। Okay. एक इसमें अपना पीसोनिक आता है, TH7 आता है, बस पीसोनिक एक मीडियम रेंज वाली है। Okay. और इसमें 2GB रैम है, 16GB इंटरनल है, और प्रॉपर 9 इंच का है, प्रॉपर 9 इंच का है अपना। बाकी टच रिस्पॉन्स तो काफी अच्छा है इसका। बाकी इसमें वारंटी अपनी 1 ईयर की, वारंटी यानी ओवर 1 ईयर का है, प्लस इसमें चारों डोर में JBL के 390 वाट कंपोनेंट है, कंपोनेंट यूज करें। बाकी इसकी ट्विटर की प्लेसमेंट हमने यहाँ करी हुई है, जो अपने नीचे रहने वाला JBL के अपने कंपोनेंट्स, और पीछे भी कंपोनेंट्स लगे, और चारों डोर में JBL कंपोनेंट है, चारों लगे। इसमें अपने 4 चैनल के एम्पलीफायर है जो कि साउंड ब्लास्ट की हैवी गोल स्क्रीन है। ओके, और पीछे इसमें रॉक फोर्ड के इसमें बूफर अपने डाला गया हुआ है पेटिक में। ओके, और इसमें चारों डोर में अपना डबल लेयर डैम्पिंग भी हुआ है, डबल लेयर डैम्पिंग हमने स्टार्टिंग में वीडियो में दिखा रखा था, आपको पीछे दिखाते हैं। इसमें जो हमने ट्विटर की प्लेसमेंट करी है पीछे इस साइड करी गई है, और बाकी ये पुराना है सारा सामान है जो निकला है गाड़ी में से, कुछ निकला है पीछे पावर, अपने पीछे डोर में अपना पावर विंडो भी लगा है, पीछे पावर विंडो करा है, और एक इसमें सेंट्रल लॉक इंस्टॉलमेंट है। बाकी अपना LXI वेरिएंट है, LXI वेरिएंट है, इसमें फ्रंट पावर विंडोज का ऑप्शन आता था, बाकी हमने इसमें बैक में पावर विंडोज का इसमें डाला है RD का। ओके, तो पीछे से ही कंट्रोल होगा, आगे से आप नहीं कर सकते ऑप्शन। ओके, आगे से नहीं कर सकते, बैक डोर से ही होगा, और आगे से भी ऑप्शन अगर करवाना चाहते हो तो 1000 रुपए खर्चा अलग से आता है, पीछे के वायरिंग आके यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डब्बे लग जाएगा, एक एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन हो जाएगा कंट्रोल बिल्कुल। बाकी इसके अंदर हमने जो पावर विंडोज एड ऑन करा हुआ है वो ये रहा अपना आरडी का रहने वाला है ये। बाकी इसका जो पुराना स्टीयरिंग व्हील था वो कुछ इस टाइप का आता था, इसमें माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह कोई ऑप्शन नहीं आता था, स्टॉक था,
बाकी इसमें ये पीछे हमने करा, बाकी सीट कवर्स भी ऐड ऑन करे, फुल ब्लैक है। इसके अंदर हमने सीट कवर्स भी ऐड ऑन करे, बाकी नीचे मैप फ्लोरिंग करी गई है पूरी। और इसके अंदर सीट कवर भैया कौन से अपने बकेट में, बाकी इसके ऊपर अभी हमने पॉलिथीन लगा रखी है। और इसके अंदर आर्मरेस्ट भी इंस्टॉल करा गया हमने, तो भैया आर्मरेस्ट भी इंस्टॉल करा इसके अंदर। ओके, आर्मरेस्ट भी इंस्टॉल करा गया इसके अंदर। तो ये अपने ओनर की कार है। तो हेलो भैया, तो आप कहाँ से हैं? सर यूपी हापुर। हापुर से हैं। आपको जय ऑटो के बारे में कैसे पता लगा था? वीडियो देखी थी। तो आपने काम करवाया, तो कैसा लगा आपको? सेटिस्फाई है, मतलब कोई कमी लगी आपको? तो अगर एक रेटिंग की बात करूँ 10 में से कितना देंगे आप? 10 ही दोगे? मतलब आगे किसी को सजेस्ट करोगे अपने फ्रेंड्स वगैरह? ओके, जो भी गाड़ी ले आए दोस्त यार जो भी निकाला यहीं भेजना। ओके, थैंक यू। तो अपनी फाइनली वैगन आर कम्प्लीट हो चुकी है। अपने साथ सोनू भाई है। सोनू भाई हेलो। हेलो। तो क्या मतलब आज तो अलग ही कर दिया वैगन आर में? बस अलग ही अलग हो रहा, आपके सामने ही हो, जो भी वो साइड मेरा लगा दिया आज तो। पहले भी लगाया बहुत बार। ओके, हमारी वीडियो में फर्स्ट टाइम है। आज तो ब्रीजा वाला स्टीयरिंग लगा लिया। कस्टमर ने कह रहा भाई ये लगा दो ब्रेजा का स्टीयरिंग लगा दिया, मतलब वैगन आर में ब्रेजा का फील पूरा। भाई हम तो कहते वैगन आर का लगा दो, कह रहा नहीं मुझे ब्रीजा का सही लग रहा, ब्रीजा का लगा दो। ओके, हमने ब्रीजा का ही फिट कर दिया। तो स्विफ्ट वगैरह का भी लग जाता अपना? लग जाता है, इसमें 2-3 गाड़ियों का लग जाता है इसमें। ओके, तो ऑल ओवर हमने साइड मेरा स्टीयरिंग वगैरह और डैम्पिंग और ऑडियो सेटअप करा था, जो पूरा काम होता है आफ्टर मॉडिफिकेशन वाला। okay. और लाइटें, रिमोट, फ्लोरिंग, सीट कवर, मैटिंग, फिटिंग, रूफ रेल। तो अपने पास सोनू भाई वो भी मिल जाएगा जो सीएनजी के ऊपर का जो रखने का। इसमें मौजूद दिखाओ सीएनजी डली ट्रे। हाँ, सीएनजी वाली ट्रे, जो जगह बिल्कुल जो टायर जो पीछे ना टायर दे दिया खड़ा वाला। ओके, खड़ा वाला ट्रे दे दिया, तो उसको उसके वो दिखा दिया हमने। ओके, तो पूरी वो आ जाएगी उसके अंदर। अच्छा, वो भी अवेलेबल है अपने पास? वो भी अवेलेबल है। ओके, तो ये हमने दिखाई थी आपको वैगन आर पूरी कंप्लीट तैयार करी हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।